लिए हम सोए थे, तो हमें आ गया है फीवर। तो फीवर आ गया था तो बॉडी पूरा पेन कर रहा था, तो इसलिए हम सोए थे। तो मौसम देख सकते हैं आप कैसा चेंज हो रहा है, अचानक से कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी धूप हो जा रहा है। तो जब मौसम चेंज होते रहता है तो इसका बॉडी पे इफेक्ट पड़ता ही है, तो कभी कभी हमारा बॉडी इफेक्ट नहीं सह पाता तो बीमार हो जाते हैं हम। तो इसलिए मौसम चेंज हुआ ऐसे अचानक में, तो हमें भी फीवर आ गया था। तो फीवर हमें आया लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आया था। परसों शाम को हमें पता चल गया कि तबीयत ख़राब होने वाली है, क्योंकि सर्दी जुकाम होने वाला था हमें ऐसा लग रहा था। तो जब सर्दी जुकाम होने वाला रहता है तो हमारा बॉडी हमें इंडिकेट करता है कि होने वाला है। तो परसों शाम को हमें हल्का सा एहसास हुआ था, तो हमने दवा नहीं लिए थे, हम सोचे तो होने वाला है तो होने दो पहले। तो हमने शाम को दवा लिया नहीं, तो रात भर में मतलब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया था। सुबह में जब नींद खुली तो हमारा बॉडी पेन कर रहा था, तो हमने सोचा जुकाम होने वाला है तो इसलिए बॉडी पेन कर रहा है, तो हल्का टेम्परेचर भी था तो हमने दवा नहीं लिए थे, लेकिन बॉडी पेन था इसलिए पूरा दिन सोए थे। तो शाम को जाके हमने दवा खाने में टेम्परेचर अपना चेक कराए, तो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा नहीं था, 98 डिग्री था। तो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर तो ऐसे 98 डिग्री फॉरेनहाइट रहता ही है, 97 से 98, जब उससे ज़्यादा होता तब बुखार होता है। तो हमें बॉडी पेन था तो सोचे हमने दवा ले लेते हैं, नहीं तो बढ़ जाएगा तो अच्छा नहीं है, इसलिए हमने दवा ले लिया। और बुखार ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी हल्का टेम्परेचर था, ऐसा एहसास हो रहा था कि मतलब हल्का है बुखार, तो हमने ले लिया था दवा। और अभी दवा खा लिए थे शाम को ही, तो एक घंटे के बाद ही आराम हो गया। तो अंग्रेजी दवा खाएंगे तो तुरंत आराम हो जाता है, लेकिन एकदम ठीक नहीं हुआ था टेम्परेचर। और सुबह में जब सोके उठे तो भी हल्का हल्का टेम्परेचर था, ज़्यादा नहीं था। तो अभी भी बॉडी पेन हल्का हल्का कर रहा था, तो हमने दूसरा खुराक दवा खाना खाने के बाद खा लिए, और उसके बाद भी सोए थे और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, मूवी भी देखे, क्योंकि हल्का ही बुखार था, ज़्यादा नहीं था। तो अभी हम सोके उठे हैं और मूवी भी देख लिए सोए सोए। तो अभी हमें जब बुखार होता है तो हम घर पे रहते हैं तो गर्म पानी पीते हैं, और गर्म पानी पीना भी चाहिए, वैसे भी मॉर्निंग में हम गर्म पानी पीते हैं और खाना खाने के बाद भी गर्म पानी पीते हैं, तो गर्म पानी पीना चाहिए। तो अभी हम गर्म पानी करके पियेंगे और चाय बनाएंगे। तो हमारे घर पे तुलसी का झाड़ है, उसका तुलसी का पत्ता चाय में डालते हैं, और काली मिर्च अदरक हो गया, और लेमन ग्रास का एक पौधा है, वो सब डाल के चाय बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, सर्दी जुकाम रहेगा भी तो भी ठीक कर देता है। तो हमें कभी सर्दी जुकाम होता था तो हम दवा लेते नहीं थे सर्दी जुकाम का, अपने आप ही सब चाय बनाते थे ऐसा कड़क वाला, वो सब बना के पीते थे, ठीक हो जाता था। तो हमने कभी सर्दी जुकाम का दवा लिया नहीं, लेकिन हमें टेम्परेचर हल्का सा लग रहा था कि बुखार आने वाला है, तो हमने इसलिए दवा ले लिए थे कि बुखार कहीं आए ना तो जाके कल दवा ले लिए थे, नहीं तो सिर्फ नॉर्मल सर्दी जुकाम रहता है तो हम दवा लेते नहीं है। काढ़ा वीढ़ा बना के चाय का, ये जो लेमन ग्रास टी तुलसी का पत्ता दर डाल के, इसी से सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। तो वैसे हमारी तबीयत जल्दी ख़राब होती नहीं है, लेकिन मौसम चेंज होते रहता है तो हो जाता है कभी कभी, एक साल के अंदर हमें कम से कम दो बार बुखार आता ही। लास्ट टाइम बुखार मुंबई में थे तो हो गए 6-7 महीने हो गए तभी आया था, और मुंबई से आने के बाद में आज जाके बुखार आया, तो 1 ईयर के अंदर 1-2 बार बुखार आ ही जाता है। वैसे जल्दी तबीयत हमारी ख़राब होती नहीं है। तो अभी चलते हैं गर्म पानी करके पियेंगे और हर्बल टी बनाएंगे, और अपने घर पे जो तुलसी का पेड़ है वो भी दिखा देते हैं, और लेमन ग्रास का जो पौधा है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो वहाँ पे है तुलसी का झाड़ और लेमन ग्रास, चल के आपको दिखाते हैं। ये भिंडी का पेड़ देख सकते हैं, इसमें भिंडी भी आ गई है, और ये भिंडी ख़राब हो गई है। और यहाँ पे देखिए तुलसी का झाड़ है, और एक इधर, तो यहाँ पे 3 झाड़ है तुलसी का। तो इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी हरी हरी है, तोड़ लेते हैं यहाँ से। तो हम लोग घर पे लगाए रहते हैं चाय में डालने के लिए, और तुलसी का पत्ता डाल के चाय बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है चाय। और तुलसी का जो जल है बिकता है मार्केट में, दवा कंपनियां बना के बेचती हैं, तो तुलसी का पानी बिकता है, इसका पत्ते से जल निकाल के बेचते हैं अच्छे खासे दामों में। तो ये तुलसी का पत्ता हो गया है। तो अभी ये झाड़ नया निकला, इसकी पत्तियां देखिए कैसी है, और ये पुराना झाड़ है तो
तुलसी का, इसकी पत्तियाँ एकदम मजबूत हो गई हैं, देखिए कितना घना तुलसी का झाड़ है और इसमें फूल भी आ गए तुलसी के। तो यहाँ से भी तोड़ लेते हैं। तो ये ज़्यादा बड़ा है, हमने पिछले साल ही इसको लगाया था ये पेड़ तुलसी का। तो चाय में डाल के पीते हैं, बहुत फ़ायदा करता है सर्दी जुकाम में। और लेमन ग्रास भी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ये जो पेड़ है ये लेमन ग्रास इसका नाम है। YouTube पे आप डालेंगे लेमन ग्रास तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं इस पत्ते के आप देख के वीडियो जान सकते हैं। तो हमने घर पे लगाया है, इसको चाय में डालते हैं लेमन ग्रास। इसकी पत्तियों को तोड़ लेते हैं इसे, और ये तोड़ेंगे फिर पत्ती बढ़ता रहता है, तो बहुत अच्छा है, ये बहुत फ़ायदेमंद है चाय में डाल के पीना चाहिए, शरबत की तरह ये है। तो सिटी में भी मिलता है ये लेमन ग्रास, भी आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप गूगल करके यूट्यूब पे करके देख सकते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो देखिए लेमन ग्रास टी कैसा है। तो इसकी जड़ जो है, इसकी जड़ यहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह पे लगा देंगे तो लग जाता है ये। तो यहाँ पे देखिए चारों तरफ पूरा हरियाली है, और यहाँ पे देखिए ताड़गोला का झाड़ है। इस समय पक गया है ताड़गोला, गिरते रहता है। तो पहले हम लोग खाते थे ताड़गोला, लेकिन अभी कोई खाता नहीं, सिर्फ पक के गिरता रहता है। तोड़ के हो गया देख सकते हैं, अभी इसको धुल लेते हैं। आप ये नल है तो इसको धोना ज़रूरी है, क्योंकि कीड़े मकोड़े दौड़ते रहते हैं वहाँ पे। तो पत्तियों को धो लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देख सकते हैं हमने लेमन ग्रास का जो पत्ता है उसको छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दिए हैं, तुलसी का पत्ता डाल दिए हैं, और अभी डाल देंगे अदरक, काली मिर्च और चाय पत्ती और शक्कर, फिर इसको उबाल लेंगे, फिर बन जाएगी। तो देख सकते हैं हमने अदरक डाल दिया है और वो काली मिर्च का पाउडर है, और अभी शक्कर नहीं डाले हैं, थोड़ा उबल जाएगा तो शक्कर डाल देंगे, उसके बाद चाय पत्ती। और यहाँ पे हमने पानी गर्म करने को रख दिया है, तो पानी भी गर्म हो गया है, अभी गर्म पानी पियेंगे। वैसे तबीयत ख़राब है तो गर्म पानी पीना चाहिए, और नॉर्मली अगर आप आदत डाल लें गर्म पानी पीने की, हल्का शीत गर्म पानी, तो अच्छा रहता है बॉडी के लिए। गर्म पानी बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। आता है तो कुछ भी खाओ तो एकदम फीका फीका लगता है, मन कहता है कितना फीका खाएं। तो थोड़ा तीखा नमकीन है, इसलिए हमने चाय के साथ में लिया खाने के लिए। तो वैसे ज़्यादा नमकीन नहीं खाते, लेकिन कभी कभी खा लेते हैं। तो ये चाय है, तो गांव का गिलास देख सकते हैं कितना बड़ा रहता है, और गिलास भर के हमने थोड़ा सा बाकी है चाय यहाँ तक लिए हैं। तो ये नुकसान नहीं करती चाय, क्योंकि इसमें आपने देखा क्या क्या हमने डाले हैं, तुलसी का पत्ता, लेमन ग्रास, काली मिर्च, अदरक। तो ये सब डालने पे ये चाय ज़्यादा भी पियेंगे तो नुकसान नहीं करेगी, लेकिन बाहर की चाय दूध वाली जो रहती है वो ज़्यादा पियेंगे तो नुकसान करता है। तो घर की चाय हम पीते हैं बना के, ज़्यादा बाहर जाते हैं तो एक दो चाय बाहर पी लेते हैं, नहीं तो हमारे घर पे डेली ये वाली चाय बनाई जाती है। तो मॉर्निंग में ये चाय पीते हैं तो नुकसान नहीं करता है, ये खा लेंगे फिर। तो तबीयत ख़राब रहती है तो कितना ख़राब लगता है, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सब कुछ बेकार ही लगता है। तो सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है, हेल्थ इज वेल्थ। आपके पास कितना भी पैसा रहे, किसी काम का नहीं अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसलिए हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। फिर भी कितना भी ध्यान दो, तबीयत खराब होनी रहती तो हो ही जाती है, फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए।
हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने की, कुछ भी हम बाहर खाते पीते हैं उस पर ध्यान देने की कि हमारे लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो हम आ गए हैं छत के ऊपर चाय पीते हुए, तो बाहर का मौसम दिखाते हैं, बारिश आ रही है तो आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। सकते हैं बादल है और बादल है और सूरज भी निकला हुआ है, रोशनी देख सकते हैं। फिर भी हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही है यहाँ पे। मौसम ऐसे ही ख़राब हो जाता है, कभी भी बादल रहता है, धूप रहती है, फिर भी बारिश आ ही जाती है। तो अभी भी देखिए बारिश हो रही है, एक एक बूंद गिर रही है यहाँ पे। तो कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है यहाँ पे ऐसे। तो फ्रेंड्स चाय भी पी रहे हैं और मौसम भी हल्का हल्का ठंडा है, लेकिन फिर भी गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। दवा खाए थे मॉर्निंग में इसलिए गर्मी हो रही पता नहीं, और बाहर का मौसम ठंडा हो गया है क्योंकि बादल आ गए हैं और मौसम ऐसा चेंज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो बारिश हो भी सकती है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप लोग भी अपने हेल्थ का ध्यान रखें। मैं तय नहीं करूँगा।